ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਰਨ ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅ ਸਾਇਲੈਂਟ ਐਸਕੇਪ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਹੈ ਜੋ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ इस मूवी के डायरेक्टर ने योगी देवगन सर तो इस मूवी का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा योगी देवगन सर के डायरेक्शन काम करके बहुत वधिया लगा बहुत कुछ सीखने को मिले सो इस मूवी के मैं भूआ का करैक्टर प्ले कर रही हूँ हाँ जी ये शॉर्ट फिल्म है तकरीबन 20 मिनट की होएगी सो ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए बनाई गई है मैं बेसिकली फरीदकोट की रहने वाली हूँ जी फरीदकोट के नाल मेरा पिंड है मानी सिंह वाला उतों की रहने वाली हूँ और मैं एक्चुअली पहला मैं मेडिकल लाइन से और पोइम्स वगैरह लिखने का शौक से आर्टिकल न्यूज़पेपर के लिए लिखती सी सो इदा ही सोशल मीडिया तो मैं ऑफर आई कि मैं फर्स्ट मेरा वीडियो सॉन्ग सीगा और उस तो बाद बस इदा ही कॉन्टैक्ट बनते गए इंडस्ट्री में काम मिलता गया सो हूँ मैं वीडियो सॉन्ग तो काफ़ी कर चुकी हाँ एड शूट और पीटीसी पंजाबी की फर्स्ट मेरी मूवी सी फगवाड़ा बाईपास और इन्हीं दिन ही हूँ पीटीसी पंजाबी तो मेरा एक सीरियल चल रहा है वंगा ऑन एयर है जी पंजाबी का सीरियल ही रांझा कर चुकी हैं और इन्हीं दिन ही मेरा एक नैन सीरियल चल रहा है जी पंजाबी पर जिदे विच मैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी उस विच मैं ममता का करैक्टर प्ले कर रही हूँ सोल मदर ममता हाँ जी कितना लगे फिर फिल्म करके शॉर्ट फिल्म हाँ जी मेरी वही पीटीसी बॉक्स ऑफिस की मूवी होंगी है जो फगवाड़ा बाईपास हाँ जी वो की है पर इस मूवी का कॉन्सैप्ट बहुत अच्छा है डिफरेंट है जिदा कुछ लोगों के लिए मैसेज भी छड़ती है मूवी और एक सिंगल मदर की जो स्ट्रगल है वह भी दिखाई गई है नहीं है तो गुरप्रीत दे अराउंड है जिदा मेरे भूआ का करैक्टर फैमिली के दादी और भूआ है और भतीजी 15 साल बाद वापस आँदी आस्ट्रेलिया तो और ये है कि भूआ जिदा एक भतीजी के नाल फ्रेंडली होंगी है सो फ्रेंड्स की तरह हैगा करैक्टर वो सो उन्होंने जो वो मिसहैपनिंग होंगी है उस चीज़ के गुजरती है तो उन्होंने सपोर्ट करती है भूआ बहुत बहुत ज़्यादा वक् है सो मैं जो सोचा था वैसे मेरा बर्थ तो है मोगा साइड का बर्थ प्लेस मेरी मैरिज हुई है फरीदकोट साइड सो जो मैं उदो ये लगता से सारे कह देंगे कि बैकवर्ड एरिया फरीदकोट तो मैं लगता कि मैरिज हुई है बस हूँ लाइफ खत्म एकदम एक हाउस वाइफ की तरह लाइफ होएगी अगे बट मेरी फैमिली जो इन लॉज फैमिली से बहुत सपोर्टिव रही हसबेंड ने हमेशा मैं सपोर्ट किया और मेरे फादर इन लॉ जो उन्होंने मैं कहना कि मैं करना तो उन्होंने कभी ये नहीं किया कि नहीं सो आफ्टर मैरिज मैं स्टडी भी की मेडिकल लाइन के सो बहुत वधिया रहा मेरा एक्सपीरियंस सो हूँ मैं नहीं कहूँगी मैं ये है कि मेरा फरीदकोट बहुत वधिया है चलो मैं इतों तक पहुँची हूँ मेरा लक है और मैं चंडीगढ़ की लाइफ के भी एक चीज़ देखी है कि इतने ठीक है कम के लिए सानू आना पैंदा रहना पैंदा और ये है कि एक बंदा स्ट्रोंग भी बनता है जो घर तो बाहर जाता है सानू नवे नवे चैलेंज मिलते हैं नवे नवे लोगों नू असी मिलते हैं न्यू टीम्स होंदियां ने सो मेरे लिए मैं नहीं कहूँगी मेरा मैं अपने शहर में नहीं निंदांगी कि एक छोटा है फरीदकोट और चंडीगढ़ अपनी जगह पर अलग एक पहचान रख साइलेंट एस्केप फिल्म का नाम है हाँ एस्केप किस चीज़ साइलेंट एस्केप का यह है कि चलो टाइटल तो इंग्लिश इसलिए रखा गया क्योंकि इंटरनेशनल फेस्टिवल के लिए मूवी जा रही है और सैकेंड थिंग ये है कि साइलेंट एस्केप का मतलब कि जिदा कुछ क चीज़ा इदा दिन लाइफ के हो जाए ने बंदा उन्होंने चाह के भी दस नहीं सकता किसी को सो एक लेडी के नाल तो स्पैशली जो कुछ इदा का कुछ होंगे मिसहैपनिंग जिदा ला लो कि किसी नाल कोई रेप होंगे तो खुल के दस भी नहीं सकता सामने वाले सो एक लेडी की मजबूरी होंगी कि वो कि वाला कुछ गलत भी हो गया बट वो अपना दर्द किसी नाल वंडा भी नहीं सकती हैगी सो इस चीज़ को लेके हैगा कि जो कुछ भी होंगे कई बार असं अनोन लोगों पर ट्रस्ट कर लें सो कुछ लोग ट्रस्ट के काबिल नहीं होंगे ये साडा भरोसा तोड़ते हैं सो इदा ही कुछ आले दुआले इन चीज़ों के है कि स्टोरी अलर्ट भी करती है कि अनोन लोगों पर तुम ट्रस्ट इदा ना करो और दूजा हैगा कि सानू एक मैसेज भी दिता गया ये फॉलो करते हो
मैं सब नु लाइक कर दी है, मैं ऐसा नहीं कहूंगी किसे स्पेशल। सीरियल देख दे। सीरियल अनुपमा। अनुपमा देख दे। हां जी। उन्होंने मुझे फॉलो कर दी। हां जी हां जी। वो एदा उन्होंने देख के एक बंदे नु पॉजिटिवनेस मिलती है कि इतनी स्ट्रांग लेडी है। सो मैनु लगता है कि मैं भी अपनी लाइफ च बड़ा कुछ देखा है, बड़ा कुछ स्ट्रगल कीती है हुन तक। कोई तो ओटीटी प्लेटफार्म पे कोई ऐसी सीरीज देखी हुई जेडी तोडे ते छाप छोड़ दी हो? एक्चुअली मैं तुहानू सही दसा तो मैं ज्यादातर काम दे विच बिजी रह के मैं सोशल मीडिया बहुत ज्यादा अवॉइड करती हां। मेरी कोशिश नहीं ते आजकल तो ओटीटी प्लेटफार्म चलते हुए। हां जी हां जी। वेब सीरीज चल रही है, वेब सीरीज कोई देखते हो? नहीं वेब सीरीज फिलहाल मैं हाले मैं सोच रही हां कि मैं स्टार्ट करा देखना। पंजाबी फिल्म जेडी तुहानू बहुत पसंद है? ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਐਕਟ੍ਰੈਸ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟ੍ਰੈਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਗਲਿਸ਼? नहीं ये पंजाबी कॉन्सेप्ट है, बट ये है कि ऑस्ट्रेलिया तो ऑन करके बच्चा उधर का ही बॉर्न हैगा ऑस्ट्रेलिया का, सो इंग्लिश बोलता है बच्चे की। इंग्लिश लैंग्वेज जो हैगी इंग्लिश है, और मदर है जो पंजाब की रहने वाली है सो पंजाबी है। सो ये हाँ जी, और ये एक भी है कि बच्चा ऑस्ट्रेलिया का बॉर्न करके जो चाइल्ड आर्टिस्ट है रूदी, सो वो करके उन्होंने पंजाबी नहीं आती हैगी, सो ये इंग्लिश भी यूज़ की गई है। उम्मीद करते हैं कि जी फिल्म है थोड़ी अवार्ड जीत के आई इंटरनेशनल लैवल से भी नेशनल लैवल से भी अवार्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू जरूर जी। एनटीएल सिनेमा सारे जने देखते रहो, फॉलो भी जरूर करो। थैंक यू।